वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल unikistudy.com एंड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ए पोएम द रैन। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाई द पोएट W.H. डेविस एंड इन दिस पोएम यू हैव टू नो मोर फीलिंग ऑफ द रैन्स एंड द लीव्स एंड ट्रीज एंड वी ऑल्सो कंपेयर इट्स फीलिंग विद द ह्यूमन नेचर्स। ओके, तो चलिए इसी के साथ जो है इस पोएम को समझते हैं और इसके स्टेंजा बाय स्टेंजा हर एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर एक वर्ड है द रैन। ओके, द रैन मीन्स होता है वर्षा। कई जगहों पे इसे जो है बारिश कहते हैं, कहीं बरसात कहते हैं और कहीं वर्षा कहते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से इनका नाम जो है वर्षा होता है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट इसको रिसाइट कर लेते हैं, रिसाइट में जो है जान लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे पोएट। लिसन केयरफुली एवरी वन वर्ड बाय वर्ड। आई हियर लिप्स ड्रिंकिंग रैन, आई हियर रिच लिप्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। टीस ए स्वीट नॉइज टू हियर दीज ग्रीन लिप्स ड्रिंकिंग नियर एंड वेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रैन सेल स्टॉप ए वंडरस लाइट विल फील इच डार्क राउंड ड्रॉप आई होप द सन शाइंस ब्राइट ट्वेल्स बी ए लवली साइट। ओके, सो यहाँ पर पोएट जो है यानी कि W.H. डेविस क्या कहना चाहते हैं, आई हियर लिप्स ड्रिंकिंग रैन। मैंने जो है मैं क्या सुनता हूँ, मैं जो रैन होते हैं, रैन मतलब कि जो बारिश होता है, तो बारिशों को जो पत्तियां होती हैं वो बारिशों को क्या करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं। ठीक है, मैंने ड्रिंकिंग करते हुए सुना है, मैंने जो है पत्तियों को ड्रिंकिंग करते यानी कि पीते हुए सुना है, बारिशों को पीते हुए सुना है। फिर आगे कह रहा है आई हियर रिच लिप्स ऑन टॉप। ठीक है, और मैंने सुना है जो रिच लिप्स होती है, जो सबसे ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो गिविंग द पुअर बीनीथ, जो नीचे छोटे छोटे पत्तियाँ होती हैं उनको क्या करती हैं, गिविंग करती हैं। गिविंग मतलब कि देती हैं, क्या देती हैं, तो यहाँ पर बताया गया है जो बड़ी पत्तियाँ हो वो छोटी पत्तियों को जो है जो भी सनलाइट है या फिर रेन है उसे वो प्रदान करती हैं ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी कि ऊपर की जो बूंदें गिरती हैं, ऊपर वाली पत्तियों पे जो बूंदें गिरती हैं वो बूंदें जो है वो नीचे वाली पत्तियों को देती रहती हैं। टीस ए स्वीट्स नॉइज टू हियर, और ये जो है एक बहुत ही मधुर आवाज़ होती है, इसे सुनने पर जो है एक बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई देती है। दीज ग्रीन लिप्स ड्रिंकिंग नियर, जब ये लिप्स इन हरी पत्तियों पर जो है ये नज़दीक से जो है क्या करती हैं, जब ड्रिंकिंग करती हैं, जब ये पत्तियां जो है ड्रिंकिंग करती हैं नज़दीक से, तो ये सुनकर जो है काफ़ी अच्छा लगता है। एंड वेन द सन कम्स आउट, और जो सूर्य जो है बाहर के यानी कि बरसात होने के बाद जब सूर्य बाहर आता है, आफ्टर दिस रैन सेल स्टॉप, जब ये रैन स्टॉप हो जाती है, जब बरसात बंद हो जाता है और सूर्य बाहर की ओर आता है, ए वंडरस लाइट विल फील, तो ये जो पूरा का पूरा जो है वृक्ष है, जो इसमें पत्तियां होती हैं, पूरी तरह से जो है किससे भर जाती हैं, किससे परिपूर्ण हो जाती हैं, प्रकाश से भर जाती हैं। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, ठीक है, और कैसे भर जाती हैं, जो ड्रॉप होती हैं, जो बूंदें होती हैं, उन बूंदों के से जो है जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, उन बूंदों पे जब पड़ती है, तो प्रत्येक जहाँ पर कोने पर भी जो है, कहीं पर भी जो है अगर अंधेरा रहता है, उन सभी डार्क को जो है ये फिल कर देती हैं लाइट से। आई होप द सन शाइन ब्राइट, और मुझे उम्मीद है कि ये जो सूर्य है इसी तरह से ब्राइट यानी कि प्रकाशमान रहे, एंड इट विल बी एट लवली साइट, और ये देखने में काफ़ी मनोहर होता है। अब इसके देख लेते हैं मॉरल ऑफ द ह्यूमन क्या हो सकता है इसका। तो यहाँ पर बताया गया है जो पत्तियों को यहाँ पर जो है बताया गया है मनुष्य से, जिस तरह से मनुष्य क्या होता है, जो कह सकते हैं ना, जिसके पास बहुत ही पर्याप्त धन हो या संपत्ति हो या ज्ञान हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने नीचे तबके के लोगों को जो है वो ज्ञान वो संपत्ति देना चाहिए। संपत्ति देना मतलब कि दान देना होता है, ठीक है, हमें क्या करना है, अगर ईश्वर ने हमें दान दिया है, जैसे ईश्वर यहाँ रैन जो है ईश्वर कहा गया है, और जिस तरह से ईश्वर हमें क्या करते हैं
हमें धन देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, उसी तरह से हमें अपने नीचे वालों को भी जो है क्या करना चाहिए, वो धन या धन को क्या कर देना, दान कर देना चाहिए, या फिर हमारे पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को हमें क्या कर देना चाहिए, दान कर देना चाहिए, ठीक है। और ये जब दान करने के बाद जो आपके पास अनुभूत होगी, जो आपके अंदर अंतरात्मा में जो खुशी होगी, वो खुशी काफ़ी ही बेहतरीन होगी, ठीक है। किस तरह से बेहतरीन होगी, जिस तरह से ये रिच लिप्स जो होते हैं बिलो लिप्स को कुछ ना कुछ ड्रॉप करते रहते हैं, जैसे लाइट देते हैं, फिर रैन देते हैं, और उन्हें सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि सुख और दुख यहाँ पर बताया गया है कि ड्रॉप रैन भी होता है, फिर सनलाइट भी होता है। तो सनलाइट और रैन जो है एक तरह से कह सकते हैं सुख और दुख आते रहते हैं, और ये काफ़ी जो है अद्भुत होता है। ये जो ईच डार्क, डार्क जो कहा गया है ना, जो हमारा जीवन में या हमारे अगल बगल जो अंधकार होती है, जो अज्ञानता होती है, वो सारा का सारा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है जब ऊपर से जो है प्रकाश मिलता है, ठीक है। हमारी गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है, ठीक है। और ये होप करते हैं कि ये जो नेचर है, जो ह्यूमन नेचर है, इसी तरह से बरकरार रहे, यानी कि उनके पास अगर ज्ञान है तो ज्ञान देते रहें, अगर धन है तो धन का दान करते रहें, दूसरों की सहायता करते रहें, इंसानियत बरकरार रहे, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ इस पोएट्री यानी कि पोएम के माध्यम से पोएट बताना चाहता है। तो उम्मीद है ये पोएम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हर पोएम के दो पहलू होते हैं, और एक पहलू तो मैंने पहले ही समझाता था, और दूसरा पहलू जो है यहाँ पर इंसानों के यानी कि ह्यूमन से जो है कंपेयर करके मैंने बता दिया। तो उम्मीद है ये पोएम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, जाते जाते हम इतना ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के पास, ताकि आपका जो फ्रेंड है, आपके जो अन्य मित्र हैं, वो भी जो है इस ज्ञान से, इन ज्ञान का लाभ उठा सकें। इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।